लाइव देश और दुनिया की खबरों में मैं ललिता आपका स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खून का बदला लेने के लिए अपराधी को पत्थरों से कुचल डाला, मानकापुर में फांसी लगा कर की खुदकुशी, वृद्धा की मौत। दर्शकों अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अजनी के कौशल्या नगर में शुक्रवार रात स्वयं नामक दोस्त का खून करने वाले अपराधी शिवम उर्फ शक्तिमान को शनिवार की सुबह कुछ युवकों ने पत्थर व ईंटों से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। इन दो वारदातों से कौशल्या नगर में गैंगवार भड़कने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात की है। शुक्रवार की रात 10 बजे पेंटिंग का काम करने वाले स्वयं सत्य प्रकाश नगरालय की अपराधी टोली ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों में कौशल्या नगर निवासी निशांत अरविंद घोड़ेश्वर, शुभम उर्फ शक्तिमान, शुद्ध धन गुरुदेव और उसके दो नाबालिग साथियों का समावेश है। स्वयं शुक्रवार रात 10 बजे ऑटो में आकर बैठ गया। आरोपी भी ऑटो के पास आकर स्वयं से विवाद करने लगे। आरोपियों ने उसकी छाती पर चाकू से हमला कर उसे ढेर कर दिया। मेडिकल अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने स्वयं को मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में रोष फैल गया है। दूसरी खबर, मानकापुर के सदगुरु शरण सोसाइटी में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक प्लॉट नंबर 16 निवासी किशोर चंद्रभान मानकर बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे किशोर अपने बेडरूम में पंखे से लटके मिले। फरियादी पत्नी प्रणाली मानकर की सूचना पर मानकापुर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, नंदनवन थाने के तहत हसनबाग चौक पर मॉर्निंग वॉक कर रही वृद्ध महिला की दो पहिया से टक्कर में मौत हो गई। यह दुर्घटना शनिवार की सुबह 4:30 बजे हुई। मृतक पडोले नगर झोपड़पट्टी निवासी वाल बाबा बाई नाना जी सोनटक्के हैं। वाल बाबा इस सुबह अपनी पोती अनीता और उसकी सहेली आचल शेंडे के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तेज रफ्तार दोपहिया के आरोपी चालक ने जोरदार टक्कर मारी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। दर्शकों अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।